राष्ट्र स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता के लिए हमीरपुर के सिंथेटिक ट्रैक पर खिलाड़ी आजकल पसीना बहा रहे हैं। करीब 20 एथलेटिक खिलाड़ी हरियाणा के रोहतक में होने वाले राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए एथलेटिक के तौर तरीकों को अपनाकर पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। 18 से 22 दिसंबर तक होने वाली राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में हिमाचल का नाम रोशन करने के लिए खिलाड़ी कम कपाती ठंड के बीच में भी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रख रहे हैं, ताकि हिमाचल के लिए गोल्ड जीत सके। एथलेटिक कोच ने बताया कि हरियाणा के रोहतक में होने वाली नेशनल खेलों के लिए खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं और खराब मौसम के बावजूद भी खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को एथलेटिक के गुर सिखाए जा रहे हैं, ताकि अच्छा प्रदर्शन नेशनल खेलों में हिमाचल की ओर से हो सके। ये हमारे बच्चे जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे हरियाणा के रोहतक में जा रहे हैं 16 तारीख को, और वहाँ 18 से लेकर के 22 तक जो है वो राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता होगी। उसमें हमारे ये बच्चे बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। ये हमारी बच्ची अभी जूनियर में रिकॉर्ड बना करके आई है, इससे हमें पूरी उम्मीद है कि हिमाचल के लिए जरूर वहाँ से भी गोल्ड लाएगी। और बाकी भी बच्चे अच्छा अभ्यास कर रहे हैं और भरपूर कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा कल से मौसम खराब चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा हमें विघ्न पड़ रहा है प्रैक्टिस में, परंतु फिर भी हमारी भरपूर कोशिश है। मौसम के साथ साथ हमारे बच्चे जो हैं वो खूब पसीना जो है यहाँ पे बहा रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हिमाचल के लिए वहां से गोल्ड मेडल लेकर के जरूर लौटेंगे। ये डिस्कस थ्रो है, ये बेटा हमारा कुल्लू से है, इसके ऊपर भी हमें उम्मीद है कि ये बेटा भी वहां से कोई ना कोई पोजीशन लेकर के जरूर आएगा। इस लड़के और 10 ही लड़कियां जो है वो वहां पे जा रहे हैं। कुल्लू के खिलाड़ी विजय कुमार ने बताया कि नेशनल खेलों में बढ़िया प्रदर्शन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि हिमाचल का नाम रोशन कर सकें। मैं विजय कुमार कुल्लू से बिलोंग करता हूं, और डिस्कस में मेरा चयन स्टेट में हुआ है। आगे के लिए नेशनल लेवल पर खेलूंगा मैं, और प्रैक्टिस हमारी यहाँ पर कोच हमीरपुर के DP PTs करवा रहे हैं, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। नेशनल के लिए हम अच्छी उम्मीद लेके जा रहे हैं यहाँ से, और हम वहाँ जाके अपना स्टेट का नाम रोशन करेंगे। मतलब अपनी तरफ से पूरा 100% देंगे हम, बाकी तो आगे किस्मत भी थोड़े साथ देगी तो तब मेडल ला सकते हैं हम। आया अपने हमारे कोचों ने हमारे ऊपर बहुत ही मतलब विश्वास है उनको कि हम वहाँ जाके भी कुछ न कुछ पोजीशन अपनी लेके आएंगे। बाकी अब प्रैक्टिस पे है हमारा भी पूरा फोकस। एथलेटिक्स जूनियर नेशनल में विजेता रही सीमा और सोनिया ने बताया कि नेशनल प्रतियोगिता के लिए तैयारी की जा रही है और उम्मीद है कि इस बार नेशनल खेलों में हिमाचल के लिए गोल्ड जीत कर लाएंगे। नाम सीमा है, मैं जिला चंबा की रहने वाली हूँ। पहले यूथ फेडरेशन हुआ, उसमें मैंने क्वालिफाई करा यूथ एशिया के लिए। यूथ एशिया में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है, और मेरा अभी जूनियर नेशनल में मेरे तीन रिकॉर्ड हो चुके हैं। एक रिकॉर्ड जूनियर नेशनल में भी हुआ अभी 956, और जो हम खेलने जा रहे हैं वो है स्कूल नेशनल, वो रोहतक में होने जा रहा है जो हरियाणा में राजीव गांधी, उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे भी अच्छी प्रैक्टिस चली है तो वहाँ पे गोल्ड लाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे गोल्ड के लिए। मैं एथलेटिक्स खेलती हूँ, मैं 200 एंड 400 मीटर करती हूँ। मैं अभी तक मैंने स्टेट खेला है, स्टेट में मेडल है एंड नेशनल पार्टिसिपेशन है। सो अच्छा लग रहा है, नेशनल खेलने जा रहे हैं तो बेस्ट, अपना तो बेस्ट देंगे, बाकी वहाँ पे देखेंगे क्या रहे।